आई मीन मैं तो बहुत कुछ चीज़ें फील कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले 3 और पिक्चरें की थी जो बस नेटफ्लिक्स पे आई थी. तो जैसे मुक्काबाज के साथ हुआ था, जैसे इस पिक्चर के साथ हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जो इतना लाइक इंस्टेंट रिस्पॉन्स लाइक मिल रहा है. तो नया है, इट्स नाइस, अच्छा है. जो मेरा कैरेक्टर है वो, जैसे आपने ट्रेलर्स में देखा कि हंट है, चेस है और रिवेंज है. तो जो भी कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, उनको आइज़र वो हंट पे हैं, चेस में हैं, या उनको रिवेंज चाहिए. तो जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, हम लोग देखते हैं कि किसको क्या चाहिए, और वो ही सस्पेंस. मुक्काबाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वर्कशॉप्स थी, क्योंकि उसमें जो साइन लैंग्वेज का पूरा वो यू नो वो था. इस पिक्चर के लिए आई थिंक बिकॉज पीरियड पिक्चर है, जो यू नो बॉडी लैंग्वेज अलग है, थोड़ा यू नो उतना खुला नहीं है, थोड़ा पेस भी धीरे से है, यू नो. सो वर्कशॉप ज़्यादातर उसके लिए थी, जो डायलैक्ट है हमारा उसके लिए थी. मेरी वर्कशॉप सारी दीपक डोबरियाल के साथ थी, और वो तो हम सबको पता है, वो आई मीन ही इज़ अमेजिंग. तो मैं थोड़ा इंटिमिडेटिंग था मेरे लिए, बट ही मेड मी फील रियली कम्फर्टेबल. तो मुझे बस सीखने को मिला लोगों से. जी, जो भी थे मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. सो आई थिंक आई हैड द मोस्ट लर्न. मेरी ज़्यादातर शूटिंग उन्हीं के साथ थी, और सैफ अली खान सुन के थोड़ा सब यू नो, लेकिन वो बहुत ही एक्चुअली मज़ेदार हैं, वो बहुत ही जोक करते हैं, लाफ करते हैं, वो ही मेड मी फील रियली कम्फर्टेबल. तो ऐसे लग भी हमको लगा भी नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं. इवन दो हम लोग सब वो पूरे गेटअप में थे, घोड़ों पे यू नो ऐसे धूल मिट्टी में, लेकिन बहुत मज़ा था. नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरी एक कॉस्ट्यूम है, कुछ है नहीं है, मेकअप भी जैसे है वही है. तो मुझे मज़ा आया, बिकॉज यू नो ऐसे ज़्यादा रोल नहीं होते हैं, एंड फिल्म भी नहीं होती हैं जब हम लोग इतना इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, यू नो. एंड कभी कभी मज़ा नहीं होता है, लेकिन जब सभी उसी में हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है, और आपको फिर यू नो कोई परवाह भी नहीं है किसी चीज़ की. सो मेरा जो घोड़ा था वो एक्चुअली ही वॉज द ओनली थोरोब्रेड, एंड आई मीन एंड मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन ही वॉज अ वेरी यंग हॉर्स ऑल्सो. तो उसको बस हर टाइम खेलना था, तो वो बहुत ऐसे कूदता रहता था, एंड उसके ऊपर मैं भी. तो ऑफ कैमरा ही वॉज रियली लॉट्स ऑफ फन, पर शूटिंग के टाइम पे उसको बस खेलना था, तो दैट वॉज डिफिकल्ट. तो मैंने जो भी डायरेक्ट किया है वो स्टेज के लिए किया है, फिल्म की तो बात ही कुछ और है. तो सब और इसी वजह से मुझे सब इंटरेस्टिंग लगता है, बट स्पेशली इस पिक्चर के बारे में आई थिंक लोगों क्यूरियोसिटी है, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो क्या है ये नहीं देखना है, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दोनों हैं. सो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू गेट पीपल इन एंड मेक देम वॉच द फिल्म, बिकॉज ऐसी पिक्चरें ज़्यादा बनती नहीं है, एंड होनी चाहिए, बिकॉज हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, इतना रिच कल्चर है, कि ऐसे एक्चुअली बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं, यू नो. एंड ऑफकोर्स हम सबको कंटेम्प्रेरी यू नो पिक्चरों में भी काम करना है, लेकिन आई मीन आई पर्सनली लव हिस्टोरिकल्स. एंड हम जैसे हॉलीवुड की पिक्चर्स देखते हैं, यू नो दूसरी कंट्रीज़ की पिक्चर देखते हैं, वो इतनी मूवीज़ बनाते हैं वर्ल्ड वॉर पे, उनकी हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, कल्चर पे, लैंग्वेज पे, सब चीज़ों पे. हमारी इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा बनती नहीं है, आई थिंक अब आ रही हैं एंड बनेंगी, और ये अच्छी बात है, बिकॉज हमारी हिस्ट्री भी इतनी डाइवर्स है. जो भी आप यू नो जहाँ पे भी जाएँ इंडिया में, इतने अलग अलग से कल्चर्स हैं, इतनी अलग अलग से ट्राइब, सेक्ट्स, यू नो ये सब रहे हैं, कि हम वी शुड डाइव इनटू इट. आई थिंक बनने चाहिए. आई थिंक नॉर्मली जब हम एक सस्पेंस मूवी या थ्रिलर की ट्रेलर देखते हैं, वो ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी मूवीज़ होती हैं. हिस्टोरिकल्स में आई थिंक ये कुछ नया है. तो मैं क्या बताऊँ आपको, आई थिंक किल करते हुए दिखाई देंगे सब, सभी को मार रहे हैं पिक्चर में, फिर और सब लोग धूल मिट्टी में हैं, सब लोग घोड़ों पे हैं, सब लोग एक दूसरे को, उस टाइम पे वही तो होता था, एवरीबडी वॉज फाइटिंग विद एवरीबडी. सो वो ही हो रहा है, लेकिन क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, वो आपको देख के पता चले. बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक ये पिक्चर 95% नहीं, उससे ज़्यादा पूरी आउटडोर पिक्चर है. हमने इंटीरियर्स आई थिंक किए नहीं, जो भी इंटीरियर्स थे वो एक ऐसे यू नो हट के अंदर या काट के अंदर या ऐसे कुछ हुआ करते थे. हमने बॉम्बे में बहुत ही आई थिंक जस्ट पैच वर्क ही किया था. तो एंड राजस्थान हम लोग जनवरी में गए थे, एंड अक्टूबर में
ऑन एंड ऑफ करके ख़त्म हुआ हुई पिक्चर. सो वी वेंट थ्रू लाइक विंटर, समर, यू नो, स्प्रिंग, फॉल, ये पूरे हमने सीजन एक्सपीरियंस किए. एंड जो राजस्थान में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, यू नो, जो पैलेसेस होते हैं और डेजर्ट होता है, बट इन दिस फिल्म यू नो वो विंटर का भी टेरेन है, प्लाटोज भी हैं, जो ग्रीनरी भी है रिवर्स पे वो भी है. एंड आई थिंक नवदीप ने एक्चुअली गूगल मैप्स पे लोकेशंस पिक की थी एक्चुअली. तो सभी नए लोकेशंस हैं एंड इट वाज रियली फन. आई थिंक लकीली ऑल ऑफ अस, हमको नेचर बहुत ही पसंद है एंड वी आर ऑल वेरी आउटडोर पीपल, तो हमने तो बहुत ही मज़े किए. जी डेफिनेटली, आई मीन इमीडिएटली नहीं, लेकिन आई थिंक अभी तो मैं ये सब ही सीख रही हूँ. बट डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट फ्यूचर में कुछ और करना है. आई थिंक आप, you know, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो यू हैव, एक ही तरह नहीं होता है वो एक्सप्रेस करने का, यू नो, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढते रहते हो. अगर उसका कोई सेंस भी ना हो, यू फील आई नीड टू जस्ट टेक इट आउट, यू नो, एंड देन बाद में जाके आपको, आप सोचते कि अच्छा मैं इसके साथ ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ. जब आप कर रहे होते तो अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वॉट आई कैन डू विथ इट. मैंने आज ही काफ़ी कुछ शूट किया है इस साल, वो अगले साल आएगा सब. तो अब मैं फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, सिंगल है, सब फिल्म भी, शॉर्ट फिल्म भी, वीडियो भी, सब कुछ, लेकिन वो अगले साल आएगा. मैं एक्चुअली जब स्कूल में थी मैं फ्लूट प्ले करती थी एंड मैंने जैज ब्लूज में ट्रेन किया, फिर देन थिएटर स्टार्टेड, सो देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट बेसिकली. बहुत, आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये हमने काफ़ी टाइम पहले शूट की थी पिक्चर एंड इट वॉज लाइक एन एक्सपीरियंस, यू नो, बिकॉज हम लोग फुल शेड्यूल वॉज आउटडोर, सो इट वॉज लाइक अ प्रॉपर एक्सपीरियंस दैट ऑल ऑफ अस हैड, यू नो. एंड जो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी है वो इतनी लार्ज स्केल पे है एंड ज़्यादातर जब हम लार्ज स्केल शूट करते हैं वो ज़्यादा सेट का स्केल दिखाता है, यू नो, पिक्चर जो शूटिंग होती है उसकी. इस टाइम इट्स ऑल नेचर, सो इट्स ऑल जस्ट माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड वैलीज एंड इन अस इन ऑल ऑफ दैट. सो इट्स आई मीन ऑल ऑफ अस आर लिटिल नार्सिसिस्टिक ऑल्सो, सो वी आर ऑल्सो जस्ट वेटिंग टू सी दैट, यू नो, हमने क्या शूट किया था एंड जब हम लोग वहाँ पे, यू नो, मर रहे थे, क्या हो रहा था हमारे साथ. सो यू वेटिंग टू सी इट. आई होप सब लोग जाके पिक्चर देखेंगे. लगती इंटेंस है लेकिन उतनी इंटेंस है भी नहीं. ओके, इसमें एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मज़ा है. बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो आई डोंट थिंक आपने पहले देखे होंगे. ये सब कहते हैं लेकिन एक्चुअली फॉर रियल एंड इट्स अ वेरी इंगेजिंग मूवी, सो आप लोग बोर भी नहीं होंगे.